हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। मैं हूं सुशील और आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी केदारनाथ से जुड़े कुछ क्वेश्चनों के आंसर दिए थे, तो उस वीडियो के अंदर मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आए कि सर हमें बताइए कि केदारनाथ से ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स ही हमें चाहिए। तो उसके लिए ये वीडियो मैंने बनाई है, साथ के साथ मैं कुछ अपडेट भी दूंगा जो केदारनाथ से जुड़ी हुई हैं। आप केदारनाथ कैसे जा सकते हैं और आपको क्या क्या चीज़ लेके जाना पड़ेगा, तो इस वीडियो में बने रहें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जस्ट सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी कोई भी नई वीडियो आती है उसकी अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये सारे क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं, इन क्वेश्चनों का मैं आंसर अब आपको देने वाला हूँ। इसके साथ जैसे बहुत से क्वेश्चन आए हैं, एक भाई ने पूछा है कि भगवान से बड़ा है हाई कोर्ट, तो भगवान से बड़ा हाई कोर्ट नहीं है, ये सिंपल सी बात है, भगवान सबसे बड़े हैं। पर वो भी इसको सोच रहे हैं डिसीजन देने से पहले कि लोगों का कुछ इसमें प्रॉब्लम तो नहीं होगी आगे, मतलब कि कोविड के केस ना बढ़ें, तो उनका भी दिमाग में यही क्वेश्चन चल रहे हैं। और एक एक, एक बहन का ये क्वेश्चन आया कि उसमें उन्होंने लिखा है मैं उत्तराखंड से हूँ, क्या मैं जा सकती हूँ। देखो बहन, मैं आपको एक रियल सा एक सिंपल सा आंसर देना चाहता हूँ, अगर आप केदारनाथ जाना चाहते हो तो अभी भी आप जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप सोनप्रयाग तक जा सकते हो, सोनप्रयाग तक आप गाड़ी लेके अपनी जा सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट आपको अपने नेगेटिव रिपोर्ट लेके जानी पड़ेगी कोविड की, साथ के साथ ई पास पे आपको पोर्टल पे रजिस्टर करना पड़ेगा और वहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि मैं सोनप्रयाग जा रही हूँ। कोई वैलिड रीजन होना चाहिए आपके पास, आपके पास कोई वैलिड रीजन है तो आप जा सकते हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ। दो कमेंट हैं जो एक साथ ले रहा हूँ, जैसे कि भाई हम यूपी से हैं, केदारनाथ कब आना सही रहेगा, और एक है भाई मुझे केदारनाथ जाना है, अभी लॉकडाउन है, कब तक जाना ठीक रहेगा। तो दोनों ही क्वेश्चन में यही पूछा गया है कब जाना केदारनाथ सही रहेगा। तो मेरा सजेशन रहेगा इस टाइम के अनुसार कि आप सितंबर के लास्ट वीक में जाएं या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जाएं। अगस्त में आप छोड़ दें, थोड़ा अगस्त को छोड़ दें, अगस्त थोड़ा रेनी सीजन होता है, बारिश का मौसम होता है, पहाड़ी इलाकों में बारिश के मौसम में जाना थोड़ा सही नहीं है, सेफ नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि क्या सिचुएशन हो रही है पहाड़ों में अभी, जैसे कि हिमाचल में अभी आपने देखा होगा जो धर्मशाला है वहाँ पे किस तरीके का माहौल हुआ पड़ा है। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा अगस्त को छोड़ दें, आप सेप्टेम्बर में जाएँ। सेप्टेम्बर में आप फर्स्ट वीक में भी जा सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो रेनी सीजन ज़्यादा नहीं होता है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेरी सजेशन यही रहेगी। तो आप बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ। नेक्स्ट कमेंट है, इसमें लिखा है हाय अगस्त में मेरा बर्थडे है, क्या अगस्त में जाना सही रहेगा, सेफ रहेगा। तो सिंपल मैंने आंसर आपको दे चुका हूँ मैं इससे पहले वाले कमेंट के अंदर कि अगस्त को आप छोड़ दीजिए, अगर आपको जाना है अगस्त में आप जा सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी थोड़ा रेनी सीजन होता है, सेफ का वहाँ पर सब कुछ ध्यान दिया जाता है, ऐसा नहीं है, आपको हर चीज़ से सेफ रखा जाता है अगर आप यात्रा कर रहे हैं, बाकी रेनी सीजन होता है। तो नेक्स्ट कमेंट की तरफ और बढ़ता हूँ मैं। नेक्स्ट कमेंट है जो वो मुझे थोड़ा अच्छा लगा, उसमें लिखा है कि आउटसाइड जो केदारनाथ बद्रीनाथ या बाहर के लोग हैं, आउटसाइड स्टेट के लोग हैं, वो कब जा सकते हैं केदारनाथ। देखो ये क्वेश्चन रियल में मेरे से काफ़ी पूछे गए हैं, तो मैं आपको रियल बता देता हूँ, अगर आप आउटसाइड के हैं तो अभी कोई अपडेट तो नहीं आया, बट मैं जानता हूँ कि अगस्त में अगर 1 अगस्त से यात्रा चालू कर दी जाती है तो आप अगस्त सितंबर में आप दर्शन कर पाएंगे, 1 मंथ के बाद आप दर्शन कर पाएंगे अगर यात्रा सही तरह चल रही है तो, ये मैं आपको कह सकता हूँ। और आप सितंबर में आउटसाइड के लिए यात्रा स्टार्ट कर दी जाएगी। बाकी अगस्त में हैं जो वहाँ के आसपास के लोग हैं, चमोली के
या केदारनाथ बद्रीनाथ के आसपास के जो लोग हैं उनके लिए ही यात्रा चालू की जाएगी, क्योंकि एक महीने वो एक तरीके से टेस्ट सीजन होता है। वो चेक करते हैं कि यात्रा सही से चल रही है, लोग आ रहे हैं, रिपोर्ट लेके आ रहे हैं, फिर उसके बाद उसे बढ़ाया जाता है, हर चीज़ सेफ सिक्योर किया जाता है। तो सितंबर के आसपास ही यात्रा चालू हो पाएगी। तो चलिए, अब आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे। अगर किसी के एक मैं क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाया हूँ तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मुझे लगा कि यही क्वेश्चंस वैलिड हैं जिनके आंसर मेरे को देने चाहिए। बाकी आपको लगता है कि आपके माइंड में कोई और क्वेश्चंस चल रहे हैं जो आप मेरे से पूछना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं वहाँ पर उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और साथ के साथ मैं आपसे एक अपडेट भी शेयर करने वाला था। अपडेट ये है, केदारनाथ बद्रीनाथ ये चारों धाम में अगर आप जा रहे हैं तो आपके पास क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, मैं आपको बता चुका हूँ। COVID-19 की रिपोर्ट होनी चाहिए, आपके पास ई पोर्टल पर रजिस्टर होना चाहिए, आप कहाँ कहाँ जा रहे हैं चारों धाम में से वो आपको डिटेल देनी पड़ेगी, ये आपको देना ही पड़ेगा। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन लेता है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर डिपेंड करता है केदारनाथ की यात्रा 1 अगस्त से चालू होगी या नहीं। मुझे पता है 1 अगस्त से यात्रा चालू होने वाली है, रियली में 100% चालू होने वाली है जो मेरे को लगता है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, पूरी की पूरी कोशिश कर रही है। उन्होंने दलील भी काफ़ी अच्छी दी है, कमेंट जैसे मैंने आपको बताया था, उन्होंने कहा है कि जो आय का साधन है वहाँ पे केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री पे, वो ओनली वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं उन्हीं के द्वारा होती है, अगर वो नहीं आएंगे तो उनका आय का कोई साधन नहीं रहेगा। पिछले साल टूरिस्ट बहुत कम आए थे, इस साल टूरिस्ट आने वाले थे, यात्रा चालू होने वाली थी, बट हाई कोर्ट ने अपने डिसीजन रखा और उसे 28 तारीख तक बंद कर दिया है। 28 तारीख के बाद ही अपडेट आने वाली है, और 28 तारीख को जैसी अपडेट आती है, मेरे को जैसी हाई कोर्ट से कोई अपडेट मेरे पास आती है, मैं आपको तुरंत ही वीडियो बना के यूट्यूब पर अपलोड कर दूँगा। तो इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो उसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी के साथ जय श्री केदारनाथ।